अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार वणक्कम सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है नया स्टॉक, जैसे लुकाना, लुकाना के पूरे रॉड्स ही हैं, बाकी कुछ आइटम नहीं रहेगा, सिर्फ रॉड्स है। जैसे थोड़े इसमें ओल्ड मॉडल है और न्यू मॉडल्स हैं, तो न्यू मॉडल्स रॉड जो कार फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो वाले, और सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो वाले रॉड्स, और जैसे स्नेक हेड्स के लिए बहुत सारे हैं, तो मैं खुद कंफ्यूजन हूँ कौन से रॉड्स हैं सब। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो आप थोड़ा स्किप मत करिए, एंड तक देखिए, आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि रॉड जो भी मुझे नया आता है मैं थोड़ा जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जितना मुझे पता है वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा आगे लेने के लिए। आप व्हाट्सएप पे 100 क्वेश्चन करने से अच्छा यहाँ पे क्लियरिटी देख सकते हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं थोड़ा देख लीजिए वीडियो हो सके तो, और मेरे चैनल पे तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आता है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और चलिए छोटे मियाँ से शुरू करते हैं। जो टेलीस्कोप रॉड, तीन बॉक्स है लेकिन साइजेस क्या है पता नहीं है, तो देखते हैं टेलीस्कोप में क्या क्या साइज आया है। तो चलिए देखते हैं, लुकाना, हाँ लुकाना टेलीस्कोप रॉड है ये। तो फर्स्ट एक मिला है हाथ में, 2.1 मीन्स 7 फीट का रॉड है। तो आप इसका ये भी देख रहे होंगे कॉस्टिंग वेट जो भी है, 3 to 15 ग्राम स्पिन वेट, 3 to 15 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है, और बहुत अच्छा पोच भी दिया है रॉड के साथ, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जैसे लुकाना 900 के रॉड को भी पोच कवर देता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए वाह, आप ये भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये दिया है पोच सेफ्टी के लिए, तो बहुत बढ़िया है। तो रॉड देखते हैं कैसे हैं, तो ये देख सकते हैं आप लुकाना टेलीस्कोप रॉड। तो और ये गाइड्स भी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है और लाइट वेट है, और इसका जो भी वेट है, वेट में ही वो अपलोड कर दूंगा, जो भी वेट है रॉड का वहाँ पे आप देख के ले सकते हैं। और नॉर्मल रील शीट दिया है, और ग्रिपिंग के लिए बहुत अच्छा फॉर्म भी दिया है, ग्रिपिंग के लिए जो फ्लोट फिशिंग करते हैं उनके लिए। हाँ, सिर्फ मैं फ्लोट फिशिंग ही रेकमेंड कर सकता हूँ, बाकी फिशिंग मत करिए, बस टाइम पास फ्लोट फिशिंग के लिए, लाइफ आना है तो फ्लोट फिशिंग करिए। और चलिए ट्रैवल रॉड, तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं ट्रैवल रॉड, तो इसका डिटेल है तो ये देख सकते हैं, और बाकी ये गोल्ड के वजह से दिख नहीं रहा है। ट्रिम्प लेंथ 2.17 फीट, एक्शन लाइट एक्शन है, जैसे छोटे मछलियों के लिए, और स्पिन वेट 3 to 15 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। आप कास्टिंग मत करिए, बस आप फ्लोट फिशिंग करिए, सबसे बेस्ट है। और लाइट टैकल्स जो यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ल्यूअर्स, जो भी फ्रॉग्स 5 ग्राम वो साइज़ के, वो लोग कर सकते हैं, उनको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जो अल्ट्रा लाइट खेलते हैं उनके लिए, जैसे छोटा रील उनके लिए। तो रॉड ये देख सकते हैं, और वाओ, तो ये देखिए आगे का जो टिप है वो एक्स्ट्रा टिप नहीं है, तो ये देख सकते हैं, बस वो ज़्यादा ग्रिपिंग के लिए आपको वो आगे टिप दिया है, एक्स्ट्रा गाइड दिया है। और जैसे मैं बोला, कभी भी ऐसे मत करिए, वो एक ध्यान रखिए। और दूसरा जो है, और इसमें सेरेमिक नहीं आते हैं, नॉर्मल गाइड्स हैं, और इसमें खासकर मैं ज़्यादातर देखा हूँ शेक्सपियर एक ही मॉडल में ऐसे सेरेमिक्स आते हैं। चलिए बढ़िया है, लुकाना ने बनाया ये विदाउट सेरेमिक्स, क्योंकि सेरेमिक्स क्या होते हैं, कभी कभार झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, नीचे रॉड गिरने से टूटते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं, लेकिन इसे सेरेमिक नहीं दिया तो कंपनी सोच के ही बनाया होगा, तो आपका लाइन कुछ डैमेज नहीं होगा, आप बेफिक्र खेल सकते हैं। तो सब 7 फीट ही होंगे। तो नेक्स्ट बॉक्स देखते हैं क्या आया है। हाँ, प्राइस जो है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 2.1, ये भी 7 फीट ही है, इसके नीचे शायद
ये 1 फीट होगा। टू पॉइंट वन, तो ये भी 7 फीट ही है। सेम होगा क्योंकि जितना मैं जानता हूँ पूरे टेलीस्कोप ही है, तो पूरे 7 ही होंगे। बिल्कुल पूरे 7 फीट ही है, तो टेलीस्कोप एक ही साइज आया है, बाकी साइज नहीं आया। मैं सोचा और भी साइजेस होंगे, तो चलिए जो है वो। और नेक्स्ट आता है हमारे पास ये क्या है, लुकाना ब्लैक कार्प। ब्लैक कार्प शायद ये दोनों एक ही है ब्लैक कार्प, फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लेके देख लीजिए, फायदेमंद वीडियो है आपके लिए, फायदा रहेगा। तो ब्लैक कार्प रॉड, तो हाँ इसका डिटेल्स जो है मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, तब तक आप यहाँ से देख के ले देख सकते हैं कि छोटा, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ जो कंपनी से दिया है उतना। तो ये आता है वाइल्ड ब्लैक के गाइड्स सुपर पावर XHS नैनो कार्बन टेक्नोलॉजी, नैनो कार्बन टेक्नोलॉजी। तो इसका मीनिंग आप यूट्यूब पे जान सकते हैं। और 10 फीट का रॉड है, 3 सेक्शन में आता है, 3 सेक्शन में 10 फीट का रॉड। और ल्योर लाइन रेटिंग दिया है 3 to 50, 51 lbs। ल्यूर वेट वाव 100 to 250 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, 100 to 250 ग्राम कास्टिंग वेट। तो चलिए मैं रॉड देख लेता हूँ पहले, बाद में बताता हूँ। तो 3 सेक्शन में है 10 फीट। तो ये रॉड ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, फिर भी मैं वो डिटेल देता हूँ आपको, मैं बताता हूँ इसका डिटेल्स क्या है। क्योंकि एक साल पहले ही ये रॉड मेरे पास आ चुका था टेस्टिंग के लिए, मेरा बैड लक है, एक ही ट्रिप हो पाया मेरा, वक्त नहीं मिला फिशिंग पे जाने, तो मैं रिजल्ट्स भी ज़्यादा नहीं दे पाया। तो हाँ एक रिजल्ट्स तो फर्स्ट डे में गया था वन डे में रिजल्ट निकाल लिया। मेरा बैड लक जैसे मैं बोला, कार फिशिंग गया था, मेरा प्लान था, लेकिन कार फिशिंग नहीं हुआ, तो उसी वजह से प्लेस चेंज किया। इसी रॉड में मेरे फ्रेंड के पास रील लेके एक वाल्गो अट्टू पकड़ा मैं, वाल्गो जैसे बुआल बोलते, बरारी बोलते, बहुत लोग नाम बोलते हैं, तो 6+ वो मैं पकड़ा था। वो स्क्रीन पे फोटो और इसका रॉड का वीडियो भी देता हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो फोटो इसके सब मेरे, जो मैं इस पर लैंड किया हूँ एक साल पहले। तो एक साल पहले ही टेस्टिंग के लिए मेरे पास आ चुका था। इसमें और बेहतर बनाए हम, उसमें एक फॉल्ट हुआ था, मेरे से हुआ था, तो वो फॉल्ट के वजह से इसको टू पीस में आया था, तो और वो कैरी करने आसान हो और थोड़ा कार्बन हेवी बना के इसको लाए हैं। तो ये देख सकते हैं, इसका वीडियो भी है मेरे पास, वो वीडियो भी अगर मिल गया तो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। शायद मैं ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो अपलोड है इसका, फिर भी एक बार मैं फिर से अपलोड करता हूँ शॉर्ट वीडियो। तो ये देख सकते हैं थ्री जॉइंट में और के गाइड कॉस्टिंग वेट, और ये लुकाना और इसके गाइड्स, के गाइड जैसे दिया है के गाइड्स कार फिशिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। और इसका ग्रिपिंग तो ये देख सकते हैं, बट जॉइंट, सॉरी ये इसका ये जो हैंडल दिया ग्रिपिंग, बस इसमें यहाँ पे दिया है डिज़ाइन दिया है ईवे फॉर्म के जैसा, बहुत स्लिम डिज़ाइन दिया है ताकि आपका हाथ स्लिप ना हो। और ये जो है ये जो ग्रिपिंग दिया है ताकि वो आपके लोग यहाँ रखे या यहाँ पे मेंटेन करे, तो आपका वो डिस्टर्बेंस ना हो उसी लिए। और आप ये रील सीट देख सकते हैं, जैसे हेवी रील सीट है, हेवी है और ये रस्ट भी नहीं होता है जैसे रील सीट, क्योंकि कोटेड जो होता है रस्ट नहीं होता है। सॉल्ट वाटर फिशिंग जैसे आप सर फिशिंग जो लाइव बाइट खेलना चाह रहे हैं आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग वेट बहुत हेवी है। और आपका ल्यूर हो, फीडर हो, कुछ भी आपको हैंगिंग करने के लिए यहाँ पे एक लॉक दिया है। और ये जो दिया है ये हेवी गेम के लिए ग्रिपिंग, ताकि आपका वो स्लिप ना हो, तो ग्रिपिंग के लिए दिया है। बाकी रॉड में यहाँ पे फॉर्म आता है, जैसे आप देखें बहुत लोग फॉर्म आता है,
तो इसको जितना लाइट वेट हो सकता है और सेक्सी सेक्सी बोल सकते हैं, सेक्सी बनाने के लिए ये रॉड को ऐसे बनाए हैं। तो कार्प रॉड खासकर ऐसे ही बनता है, जितना फॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं रहता है, बहुत बेहतरीन रहता है खेलने में। तो शायद नीचे वाला भी वही है, तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना तो इसको ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे मैं पूरा डिटेल्स के साथ अपलोड कर दूंगा, रॉड वेट, उसका स्पेसिफिकेशन जो भी है, स्पेसिफिकेशन सफिकेशन कुछ भी बोल लीजिए, आप समझ सकते हैं। तो मुझे जितना आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी वही है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो इसको हटाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। तो ये है ब्लैक रिवर, ब्लैक रिवर 270। तो ये दो रॉड भी सेम है। तो जैसे एक बॉक्स ओपन करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे और भी बॉक्स हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं आपका, क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत टाइम लेके मेरा वीडियो देखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इतने मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, और बहुत वीडियो पूरा वीडियो भी देखते हैं आप लोग। अच्छा लगता है मुझे कि सब लोग देखते हैं। तो चलिए, ये कौन सा है, ब्लैक रिवर, अच्छा ब्लैक रिवर रॉड देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे ब्लैक रिवर दिया है, ब्लैक रिवर कार्बन टेक्नोलॉजी, ब्लैक रिवर के गाइड्स। तो रॉड देखते हैं, क्योंकि एक ही नाम पे बहुत सारे रॉड्स आ जाते हैं। बढ़िया है, ब्लैक रिवर, ब्लैक रिवर रिस्टॉक हो चुका है। जैसे कितने फीट का है ये, 279 फीट। तो ये देख सकते हैं ब्लैक रिवर, ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है रॉड। ये रेड कार्बन में आता है, और सबसे बेहतर रिजल्ट्स लेके आया था ब्लैक रिवर। तो ये देख सकते हैं ल्यूर कास्टिंग 80-180 ग्राम और 30-50 LBS लाइन रेटिंग दिया है। और ब्लैक कार्बन, ब्लैक रिवर कार्बन टेक्नोलॉजी। तो ब्लैक रिवर, ब्लैक रिवर रीस्टॉक हो चुका है 9 फीट में। जिन जिन को स्टॉक नहीं मिला था, आप लोग कल बुकिंग कर सकते हैं। और इस बार जो ब्लैक रिवर और भी ज़्यादा उसको टेस्टिंग करके इस बार तैयार किए, क्योंकि ब्लैक रिवर में बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे। मैं ये नहीं बोल सकता कंप्लेंट नहीं है, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है। लास्ट पिछली बार ये सेकेंड गाइड से रॉड टूटता था, वो मिशनरी फॉल्ट था, क्या था पता नहीं, उसी लिए बहुत दिन इसको स्टॉप किया था। और इस बार जो रॉड बनाए और भी बेहतर, और बहुत सोच समझ के ये रॉड बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या रिजल्ट्स आते हैं ये रॉड में, और शायद इसमें एक्स्ट्रा टिप्स भी मैं बुक किया था। मैं बात कर रहा था, वही देखो एक्स्ट्रा टिप्स की भी बात कर रहा था मैं, क्योंकि मैं ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा टिप। इस बार जितने भी मॉडल्स आएंगे, मुझे प्लीज़ एक्स्ट्रा टिप्स अरेंज करके दीजिए बोला था। तो बहुत बहुत शुक्रिया लुकाना को जो मेरी बात सुने और एक्स्ट्रा टिप्स भी मुझे अरेंज करके दिए। तो चलिए बहुत अच्छा है, मैं बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था एक्स्ट्रा टिप्स के लिए, तो एक्स्ट्रा टिप्स भी दिए हैं। शायद हर बॉक्स में एक्स्ट्रा टिप हो सकता है या नहीं हो सकता है, पता नहीं, अभी मुझे दिख गया तो उसी लिए बता रहा हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए, बहुत अच्छा लगा। तो एक्स्ट्रा टिप, जिन जिन के रॉड्स टूटे थे 9 फीट में, अगर जब तक स्टॉक है आप लोग टिप्स भी ले सकते हैं। इसका प्राइस जो भी है मैं कंफर्म करके स्क्रीन पे दे दूंगा। बस बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे लिए एक्स्ट्रा टिप मंगा के दिए हैं, बहुत अच्छा लगा एक्स्ट्रा टिप देख के। तो ब्लैक रिवर जो भी लिए हैं, ब्लैक रिवर जिनका भी टूटा है 9 फीट में, आप एक बार ज़रूर वीडियो जब देख रहे हैं तुरंत बुक करिए। शायद एक बॉक्स में 10 पीस ही होंगे, 10 पीस 5 पीस बोल नहीं सकता मैं, जब तक है तब तक मिलेगा। हाँ, अगर आप रॉड भी ले रहे हैं तो साथ में एक एक्स्ट्रा टिप भी लेके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है हमारे ब्रदर्स को अच्छी चीज़ ला के दूँ, सब चीज़ यही से अरेंज हो जाए, कोशिश तो मेरी हर वक्त जारी रहती है, फिर भी जितना हो सकता है मेरे हाथ से मैं करता हूँ। तो
फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे ही ऊपर से, देखते हैं ये क्या है। हाँ वाह, तो जैसे मैं बोला एक्स्ट्रा टिप, इसमें भी एक्स्ट्रा टिप है। तो जो जो रॉड ले रहे हैं आप लोग एक्स्ट्रा टिप लेके रख सकते हैं, या तो जिनका भी रॉड टूटा है वो लोग भी एक्स्ट्रा टिप लेके रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टिप शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रॉड है, 10 टिप है। तो आप लोग को जिसका भी रॉड्स टूटा था आप लीजिए। हाँ हो सके, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, प्राइस कंफर्म करके देता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा क्योंकि पता नहीं है, मैं यहाँ जबान दूंगा तो वो बोल नहीं सकते, कल चेक करके मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट आया है ब्लैक कार्प, तो ये भी ब्लैक कार्प, ओके। हाँ अभी जो मैं रॉड बोला था ब्लैक कार्प जो 10 फीट का था, तो ये 12 फीट होगा ब्लैक कार्प, क्योंकि नाम एक ही है तो मॉडल भी एक ही हो सकता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कौन सा रॉड है। तो ब्लैक कार्प के गाइड्स 100 to 300 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है इसमें, तो ये देख सकते हैं 12 फीट में रॉड है। तो के गाइड सुपर पावर सेम है, सॉरी ब्लैक कार्प नहीं, वाइल्ड ब्लैक, क्योंकि ब्लैक रिवर उठाया तो वो रिपीट वैसे ही आ रहा है। तो चलिए 12 फीट में देखते हैं। हाँ इसके गाइड्स बड़े हैं, चार्जर्स क्या आएंगे पता नहीं, जो भी है मैं चेक करके बताऊंगा, कोरियर चार्जर्स। तो 12 फीट में, हाँ ये आप देख सकते हैं सेकेंड टिप का ही गाइड कितना बड़ा है। हाँ ये गाइड्स खासकर ये बड़े देते हैं लॉन्ग कास्टिंग के लिए, जितना गाइड आपका बड़ा रहता है उतना लॉन्ग कास्ट करता है। तो 12 फीट में, तो फर्स्ट गाइड है, और ये रहा आपका जॉइंट, बट जॉइंट जैसे मैं वो रॉड को एक्सप्लेन किया सेम वही है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, बस वो 3 सेक्शन में है, ये भी 3 सेक्शन है, लेकिन ये 12 फीट में आता है, 12 फीट में 3 सेक्शन में रॉड आता है। जैसे आप, मैं बोला कार फिशिंग के लिए और सर्फ फिशिंग जो सॉल्ट वाटर फिशिंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये गाइड्स के गाइड्स हैं, रस्ट नहीं पकड़ेंगे, आप बेफिक्र खेल सकते हैं। कास्टिंग वेट भी बहुत बेहतरीन है, 300 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। जितना कार्प रॉड्स मैं देखा हूँ, मैं जो खेलता हूँ उस हिसाब से शुक्र है सर, बहुत कम है इसका प्राइस। फिर भी जो भी है प्राइस कल देख लेंगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और व्हाट्सएप पे इसका डिटेल्स जैसे मैं बोला वो पूरा अपलोड कर दूंगा कि कौन सा चीज़ से बना है, कौन सा कार्बन से बना है, और इसका पूरा डिटेल्स के साथ ही मैं पूरा अपलोड करता हूँ ताकि आपको लेने में आसान हो जाए। तो चलिए, शायद वो दोनों सेम है, तो इसको ओपन नहीं करेंगे, वैसे ही उठा देंगे। तो हाँ इसको सब एक्स्ट्रा टिप्स नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, तो देखते हैं फ्यूचर प्लान कैसे है और इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देख के प्लान करेंगे। हाँ मैं वही उसी लिए बोलता हूँ, कुछ भी कंप्लेंट्स आता है बताइए मुझे आप उसको, शफी भाई अच्छा काम कर रहे हैं मत सोचिए, जो भी है कंप्लेंट्स बताइए, वो कंप्लेंट देख के मैं उसको स्टॉप करूँगा, या तो रिक्वेस्ट करके अच्छा बनाऊँगा, या तो जो नुकसान हुआ है वो लाने की कोशिश करूँगा। मैं इतना कर सकता हूँ, आप लोग बोलेंगे तभी जाके मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, क्योंकि कंप्लेंट मुझे सबसे बड़ा मसला है, कंप्लेंट सुनने से बहुत गुस्सा आता है, तो उसी लिए वो गुस्सा आता है, फ़ायदा ही है। देखिए आज वो इससे आज टिप्स आए, कुछ भी हो सकता है। कमाडो रील्स के भी कंप्लेंट आए, लेकिन वो बहुत ये हुआ, और लुकाना ने वादा किया है बहुत जल्द सर्विस सेंटर खुल रहा है, तो शायद 1-2 महीने में ही सर्विस सेंटर आने वाला है इंडिया को, तो बेफिक्र रहिए। हर पार्ट्स, कुछ भी रील्स आपका वेस्ट नहीं होगा, हर रील का पार्ट्स मिलेगा और हर रील का सर्विस हो जाएगा।
ये वादा हुआ किए हैं वो लोग, तो ज़रूर वो करेंगे, जब वादा किए हैं तो ज़रूर करेंगे वो। बहुत जल्द वो सब होने वाला है, ऑलरेडी पूरा बात हो चुका है, तो सर्विस सेंटर भी हो रहा है लुकाना का। तो आगे में थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, क्योंकि क्या है सडनली कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समझ सकते हैं हम इतना वक्त लेके काम करते हैं, तो इनका इतना बड़ा बिजनेस है तो ये लोग कितना मेहनत करते होंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है, देखेंगे हो जाएगा। तो ये क्या है, वाह, स्नेकहेड सीरीज रीस्टॉक हो चुका है, जो लुकाना स्नेकहेड सीरीज स्पिनिंग है या बेट कास्टिंग है, स्पिनिंग है, स्नेकहेड सीरीज रीस्टॉक हो चुका है। जिन जिन को स्टॉक नहीं मिला था आप लोग कल बुकिंग कर सकते हैं, तो शायद पूरे स्पिनिंग हो सकते हैं, या तो नीचे का बॉक्स बैट हो सकता है, बोल नहीं सकता, चेक कर लेंगे। तो ये तो स्पिन है, वो बैट है या स्पिन है चेक कर लेंगे, क्योंकि जितना मुझे याद है दोनों बुकिंग किया या एक ही बुकिंग किया मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं लुकाना स्नेकहेड सीरीज, वाह, बैट कास्टिंग है, चलिए बढ़िया है, बैट कास्टिंग है। स्नेकहेड सीरीज ये देख सकते हैं बैट कास्टिंग है, तो मैं सोचा स्पिनिंग है, बैट कास्टिंग है। जिन जिन को ये स्टॉक नहीं मिला था आप लोग कल बुकिंग कर सकते हैं, तो स्नेकहेड सीरीज और इसका कॉस्टिंग वेट और इसका डिटेल्स, इसका डिटेल मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा जैसे हर बार बोलता हूँ। और आपको इसमें भी एक लॉक दिया है, जो स्पिनर्स हो फ्रॉक्स हो आप उसको लगा के ट्रैवल कर सके, क्योंकि क्या होता है कभी कभार फ्रॉग आगे हो स्पिनर्स आगे हो, दोस्त में दोस्त लोग भी होते हैं साथ में, तो क्या होता है ऐसे जाने से पीछे लगने का चांसेस ऐसे होता है। कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं स्पॉट्स चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हैंग अप करिए, आप वॉक करिए, ताकि साथ में जो है वो लोग भी सेफ्टी रहे। तो चलिए इसका डिटेल मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, तो ये ऑलरेडी अपलोड है लेकिन इसके डिटेल्स के साथ अपलोड किया या वैसे ही अपलोड किया कंफर्म नहीं हूँ मैं, उसी लिए फिर भी जो भी है कल देख के मैं कर दूंगा। हाँ देखिए अपलोड अपलोड के लिए थोड़ा टाइम लगता है हमारे लिए, क्योंकि हम रात में वीडियो बनाते हैं, सुबह आते हैं, फिर पैकिंग बुकिंग उसमें रहते हैं, जब जब वक्त मिलता है एक एक रॉड जितना जल्द हो सकता है हम लोगों निकाल के उसका वीडियो बनाते हैं, सॉरी अपलोड करते हैं उसका डिटेल सब निकाल के, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर जो अपलोड है वो तो तुरंत ओपन कर देंगे, बस क्या लिंक ओपन करना है। हाँ मैं वही बोला, रॉड चेक कर लेंगे। तो ये है सॉल्ट आर्मर, सॉल्ट आर्मर बैट कास्टिंग। तो ये जो ऑलरेडी मैं इस पे डेडलिफ्ट भी किया हूँ, हम मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। बस लुकाना सॉल्ट आर्मर टेस्टिंग वीडियो मारिए, आपको इसके डेडलिफ्ट वीडियो आ जाएंगे, आपको जाके वो ढूंढना भी नहीं है, बस टाइप करिए आपको आ जाएगा वीडियो, क्योंकि इसका भी मैं डेडलिफ्ट किया हूँ, बहुत बेहतरीन रॉड है, लेकिन बहुत हेवी है। बहुत हेवी मीन्स 300 ग्राम, हाँ सॉरी 400 ग्राम कॉस्टिंग वेट है, तो ये देख सकते हैं आप 400 ग्राम कॉस्टिंग वेट है, तो आप समझ सकते हैं कितना हेवी होगा रॉड, क्योंकि फ्रॉक्स फ्रॉक फिशिंग के लिए मत लीजिए क्योंकि बहुत हेवी है रॉड, उसी लिए। हाँ अगर हेवी ल्यूअर्स यूज कर रहे हैं, हेवी ल्यूअर्स उनके लिए, और हेवी स्पून्स यूज कर रहे हैं उनके लिए आप लोग उसके लिए ले सकते हैं, फ्रॉक्स के लिए मत लीजिए क्योंकि बहुत हेवी रॉड है ये, बहुत हेवी है। तो ये देख सकते हैं आप बहुत हेवी होता है, इसमें थोड़ा भी लचक भी नहीं है, थोड़ा भी एक्शन भी नहीं रहता है, हेवी रॉड है, आप फ्रॉक्स के लिए मत लीजिए। लेना है हेवी ल्यूअर्स जैसे बड़े बड़े पॉपर्स हो ल्यूअर्स हो यूज़ करते हैं उनके लिए बैट कास्टिंग में, तो ये देख सकते हैं सॉल्ट आर्मर, और इसका लाइन रेटिंग और कास्टिंग वेट ये सब देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन रॉड है, बहुत रिव्यूज़ लेके आया सॉल्ट आर्मर, बहुत रिव्यूज़, एक्सीलेंट रॉड मैं बोल सकता हूँ, अभी तक किसी का ये रॉड टूटा हुआ कंप्लेंट अभी तक नहीं आया, खासकर ये रॉड में। बस जो हेवी लवर्स हैं हेवी फिशिंग करते हैं उनके लिए बेहतरीन रॉड बोल सकता हूँ मैं, बाकी तो सब वही होंगे। हाँ
हाँ इसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ। हाँ ये खास कर ये जो दिए हैं जैसे बेल्ट, बेल्ट के लिए, बोट फिशिंग के लिए आप तो कहीं भी रॉड छोड़ के भी बैठ रहे हैं, आपको ये टांग के कहीं भी बांध के भी रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत बार अपलोड कर चुका हूँ तो उसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो चलिए देख लिया, अच्छा हो गया, नहीं तो मिस हो जाता ये रॉड। तो ये देखते हैं क्या है। तो चलिए पहले से ही ओपन है। हाँ स्नेक हेड, ये भी स्नेक हेड सीरीज है तो ये स्पिन होगा। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैं भी क्या करूँ, जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो कभी भी लंबा जाता है ताकि आपको लेने में आसान हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी थोड़ा टाइम ले लीजिए और एक थोड़े बॉक्स हैं, हो गया, आप देख लीजिए। तो स्नेक हेड सीरीज स्पिनिंग में, तो ये देख सकते हैं आप, मिल्ट्री डिज़ाइन है जो मल्टी कलर में है, और ये देख सकते हैं लुकाना स्नेक हेड सीरीज स्पिन स्पिन है। और इसका कॉस्टिंग, वेट, इसका डिटेल सब मैं दे दूंगा। तो 248 फिट में आता है, ये 8 फिट का रॉड है और 22-40 LB लाइन रेटिंग दिया है और एक्सट्रीम हैवी हैवी रॉड है, एक्सट्रीम हैवी। तो इसका कॉस्टिंग वेट है 30-80 ग्राम, 30-80 ग्राम कॉस्टिंग वेट है, जैसे बड़े स्पून्स खेलने वालों के लिए, सॉल्ट वाटर फिशिंग करने वालों के लिए, और फीडर फीडर फिशिंग करने वाले भी ले सकते हैं जो 100 ग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, वो लोग भी ले सकते हैं। तो चलिए, और भी बहुत सारे फिशिंग्स हैं, आपका चॉइस, आप देख के आपके लाइन रेटिंग के हिसाब से और ल्योर कॉस्टिंग के वेट के हिसाब से देख के ले सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने से इसमें बहुत सारे फिशिंग्स हैं तो उतने सारे फिशिंग्स तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, हर किसी का एक एक चॉइस रहता है। तो ये बॉक्स देखते हैं क्या है। तो सॉल्ट आर्मर, सॉल्ट आर्मर स्पिनिंग में होगा ये। तो एक स्पिनिंग एक बाइट कास्टिंग मीन 7-8 7-8 ऐसे डाले हैं। चलो बढ़िया है, बेहतरीन काम किए हैं, 7 में वो दिए, 8 में ये दिए, सबसे अच्छा है क्योंकि 2-in-1 सबको काम चल जाता है। तो सॉल्ट वाटर स्पिनिंग में जैसे ट्रोलिंग करते हैं, हैवी फिशिंग करते हैं, हैवी पॉपर सबके लिए चल जाएगा क्योंकि इसका भी कास्टिंग वेट दिया है 80-40 ग्राम, 80-40 ग्राम कास्टिंग वेट है, बहुत हैवी रॉड है, आप ले सकते हैं बड़े गेम के लिए, बिग गेम के लिए। तो स्पिनिंग है सेम है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बाकी डिटेल्स में व्हाट्सअप पे दे दूंगा, प्राइस स्क्रीन पे दे दूंगा। हाँ प्राइस शायद ज़्यादा भी हुआ होगा, कन्फर्म नहीं है मुझे, तो उसीलिए बता रहा हूँ, आप ओल्ड वीडियो देख के वो प्राइस मत बोलिए, शायद कस्टम चार्जेस आपको पता है, मैं बहुत बार बताया हूँ, कम होने से कम करता हूँ, ज़्यादा होने से ज़्यादा करता हूँ, जो कंपनी MRP दिया है वही रहेगा, तो MRP के नीचे 1 रुपया भी नहीं रहेगा, तो MRP प्राइस ही हम अपलोड करते हैं। तो बस ये हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं रेनो रेनो एक्स वाइल्ड ब्लैक 8। तो ये शायद एक ही बॉक्स आया है तो इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे वाइल्ड ब्लैक मीन्स वही कार्प रॉड जो आप फर्स्ट दो देखे रॉड्स वही है, लेकिन ये टू जॉइंट में है, 8 फीट में टू सेक्शन है, 3 सेक्शन है, हाँ 2 सेक्शन है, और इसका कॉस्टिंग वेट है 50-150 ग्राम, 50-150 ग्राम कॉस्टिंग वेट है। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए रॉड देख लेते हैं, डिज़ाइन तो सेम रहेगा, डिज़ाइन सेम रहेगा, जैसे मैं बोला वो रॉड जो मैं यूज़ किया हूँ वो वीडियो भी अपलोड करूँगा। हाँ डिज़ाइन सेम है, जो गाइड
गाइड बहुत हेवी दिया है, ये गाइड के वजह से बहुत चार्जर्स आने वाले हैं आपको, बहुत चार्जर्स आता है कोरियर चार्जर्स, क्योंकि 4 इंच का पाइप लगता है। चलिए बेंगलुरु में जो है ले रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि चार्जर्स की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका गाइड बहुत बड़ा है, कुछ नहीं कर सकते। और रॉड रॉड बहुत स्लिम है, बहुत स्लिम है, तो ये मेरा थंब देख सकते हैं आप कितना स्लिम है, बहुत स्लिम बनाया रॉड, तो ये देख लीजिए बहुत बेहतरीन है, स्लिम बनाया रॉड, तो लाइट वेट है स्लिम है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आ गया एक गाइड का, इसके वजह से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं डैम डैम मैटकैट का जैसे बताया रेस्ट ऑफ इंडिया, मैं सोचा 600 रुपया पाइप मिला के आ जाएगा, लेकिन पूरा आज कोरियर करते समय उसका वैल्यूमेट्रिक लेंथ 4 इंच का पाइप इतना मोटा आता है, तो पूरा करने के बाद 1000 रुपीज़ सिर्फ शिपिंग रॉड आ रहा है वो रॉड का, तो उसी लिए चलिए मेरे कस्टमर तो जैसे ही मैं बोला वो लोग ट्रांसफ़र कर दिए, सब लोग वैसे नहीं रहते हैं, तो कभी कभार ऊपर नीचे होता है चार्जर्स, अगर आपका चार्जर्स कम हो रहा है वो आपको ज़रूर 1 रुपया हम नहीं रखेंगे, आपको रिफंड हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो हम मांग के ले लेंगे, तो बस मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। हाँ जितना हो सका मैं नॉर्मल चार्जर्स तो कम कर दिया हूँ, जितना आधा 650 पहले 7 फीट रॉड को आता था, अभी आ रहा है 300 या तो 350, अभी जो चार्जर्स आ रहा है विथ पीवीसी पाइप 300 या तो 350, बहुत लोग आप लोग लिए हैं सबको पता है, फिर भी जैसे मैं बताया कभी कभार वो गाइड्स हमें भी कंफर्म नहीं रहता, ज़्यादा कम हो जाता है उसी लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, प्रेडिटर सॉल्ट वाटर, ये क्या है, ये भी न्यू मॉडल है, तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सा मॉडल है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन रॉड्स आए इस बार, और इस बार का पैकिंग भी बहुत सेफ्टी है, तो सॉल्ट आर्मर, हाँ सॉल्ट आर्मर 9 फीट में, तो ये देख सकते हैं आप सॉल्ट वाटर 9 फीट में, 9 फीट में भी आ चुका है, जैसे हाँ 7 फीट बाइट कास्टिंग में, 8 फीट स्पिनिंग में, 9 फीट स्पिनिंग में, सेम रॉड रहेगा डिट्टो, कुछ सॉरी कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम रहेगा, और कास्टिंग वेट आप यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होने से अच्छा आप वो ये कर सकते हैं, तो चलिए आइए यहाँ पे ये देख लीजिए कास्टिंग वेट, और इसका रॉड का डिटेल्स जैसे मैं बोला व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा पूरे डिटेल्स के साथ, रॉड तो सेम रहेगा डिट्टो सेम है, बस लेंथ डिफरेंट है 9 फीट, तो उसी लिए तो 9 फीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स, तो इतना बात कर रहा हूँ फाइनली पानी पीना पड़ा। तो ये आता है प्रेडिटर, प्रेडिटर अगर बाई चांस मिक्स होके भी रॉड्स आए या कुछ मिसिंग हुआ है वो व्हाट्सएप पे दे दूंगा, तो आप वहाँ देख के भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभार एक दो छूट जाते हैं, क्योंकि नीचे ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो उसी लिए वाव वाव इसलिए बोला, ये भी बड़ा गाइड है जो आपको चार्जेस बहुत आने वाले हैं, तो चलिए कुछ नहीं कर सकते, नहीं परवाह नहीं नॉर्मल है। हाँ ये बहुत बेहतरीन दिया है, बहुत हेवी ग्रिप दिया है, बहुत हेवी, तो ये देख सकते हैं आप न्यू मॉडल है, फर्स्ट टाइम आया है मेरे पास, और ये कॉर्क डिज़ाइन के साथ ये देख सकते हैं, और ये ग्रिपिंग ग्रिपिंग बहुत हेवी दिया है, तो ये आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना हेवी ग्रिपिंग दिया है, शायद ये बिग गेम के लिए बनाया है। वैसे भी प्रेडिटर प्रेडिटर तो बहुत रिव्यूज लाया है, प्रेडिटर जो ये रॉड आप देख सकते हैं प्रेडिटर रॉड, लेकिन मैं नहीं सोचा था कि इतना बेहतर निकलेगा, इतना अच्छा ग्रिपिंग मिलेगा, क्योंकि कॉस्टिंग वेट देख सकते हैं कॉस्टिंग वेट, तो मैं नहीं देखा देख लूंगा, तो इसका आता है POSW 270 HS, HS उसका मीनिंग मैं व्हाट्सएप पे दूंगा, और 270 9 फीट का रॉड है, 2 सेक्शन है,
60 to 150 ग्राम कॉस्टिंग वेट है और लाइन रेटिंग 20 to 40 LBS, 20 to 40 LBS लाइन रेटिंग दिया है। गाइड भी छोटा है तो आपका चार्जेस भी ज़्यादा नहीं आएगा। मैं सोचा वो बैग देख के, कवर देख के, मैं सोचा कि गाइड बड़ा है, ये इसके वजह से वो पोच बढ़ा दिया है। चलिए बढ़िया है, तो बहुत बेहतरीन है। 9 फीट में फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है, न्यू मॉडल बनाए हैं और ग्रिपिंग भी बहुत हेवी दी है, बहुत हेवी ग्रिपिंग है जो बिग गेम के लिए करते हैं उनके लिए। तो ये आप मेरा हाथ देख सकते हैं कितना हेवी ग्रिपिंग दिया है, बहुत बेहतरीन है। तो इसका डिटेल जो भी है मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख के ले सकते हैं। तो चलिए, आज बहुत बेहतरीन रॉड मिला हाथ में जो बिग गेम के लिए। तो प्रेडिटर और लास्ट 2 बॉक्स है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए ये देख लेते हैं और ये कौन सा रॉड है। और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़ोर सी हो रही है। हाँ, अभी बारिश का भी मौसम है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये रॉड देखते हैं कौन सा है। रेनो टू ये भी शायद आया है मेरे पास, आया है करेक्ट। हाँ, शायद 7 फीट में या 8 फीट में कुछ आया था, 9 फीट में शायद, भूल गया हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया ये रिस्टॉक होके, स्टॉक भी ख़त्म होके तो फिर से स्टॉक आया है। रॉड देखने से मुझे याद आ जाता है लेकिन ऊपर से कुछ पता नहीं चलता है मुझे। तो चलिए देखते हैं रेनो टू। हाँ, ये आया है पहले, लेकिन शायद 8 फीट 7 फीट कुछ आया था, 9 फीट नहीं आया था। तो इस बार 9 फीट आया है बराबर। तो ये देख सकते हैं आप, और हेवी ग्रिपिंग के साथ दिया है। जैसे वो कार्प फिशिंग रॉड में आप देखें उसमें बस ये जो कोटिंग है इसके ऊपर दिया है, इसके ऊपर, और इसमें जो दिया है पूरा फॉर्म के साथ दिया है, ईवे फॉर्म के साथ इसके ऊपर ग्रिपिंग दिया है। और हमारा लुकाना का लोगो, और जैसे मैं ये वाला ग्रिपिंग जो हेवी गेम के लिए, आपका स्टमक के पास हो, कहीं भी आप लोग जो रखते हैं वो ग्रिपिंग मिल जाए। और जैसे बिग गेम के लिए शॉर्ट ग्रिप यहाँ पे दिया है, और जैसे हर रॉड्स में दिया है उसी तरह सेम इसको भी दिया है, जैसे ल्यूर हो कुछ भी हो आप लेके जाने के लिए आसान हो जाए। और इसका डिटेल्स एक्सकॉर्बन टेक्नोलॉजी है, तो आप ये डिटेल्स देख लीजिए, एक्सकॉर्बन टेक्नोलॉजी। और इसका कॉस्टिंग वेट और जो भी बाकी डिटेल्स है, लाइन रेटिंग सब देख सकते हैं। अगर आपको क्लियरली नहीं दिखा रहा है तो मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि शाइनिंग के वजह से, लाइटिंग के वजह से कभी कभार नहीं दिखाता है। तो इसका RX 270 HS वही हेवी होगा, और ल्यूर वेटिंग 80 to 180 ग्राम कॉस्टिंग वेट है, और लाइन रेटिंग 30 to 50 LBS 30 to 50 LBS लाइन रेटिंग है। बस बहुत बेहतरीन है ये वाला, और हेवी गाइड्स हैं, के गाइड्स। हाँ, आप जितने भी रॉड्स देखे सब के गाइड्स हैं, सब के गाइड्स, नॉर्मल गाइड्स नहीं है, सब के गाइड्स हैं, जो रेस्ट फ्यूचर में भी रेस्ट नहीं पकड़ेंगे, फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही सब कुछ बनाए हैं। तो प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं रहेंगे जितना मुझे पता है, बाकी रॉड से, कंपनी से रख में कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो फिर भी हर किसी का एक एक चॉइस होता है, जैसे लुकाना के बहुत लवर्स हैं, दूसरे ब्रांड के बहुत लवर्स रहते हैं, हर ब्रांड के एक लवर्स रहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक दो ब्रांड का लवर हूँ, तो अभी नहीं बोलूँगा, बोलने से आप लोग उसको मांगेंगे। तो वैसे हर किसी का एक एक ब्रांड का लवर रहते हैं, तो उसी तरह। तो चलिए, हाँ, ब्लैक मांबा, ब्लैक मांबा इसमें बहुत सारे हैं, शायद इसमें बाइट कास्टिंग, स्पिनिंग सब एक ही में आ चुका है। तो ब्लैक मांबा, हाँ, ये बाइट कास्टिंग है, जो बाइट कास्टिंग, और हाँ बाइट कास्टिंग है, स्पिनिंग है,
पूरे रॉड्स इसी में है, तो ये 240 स्पिनिंग। तो ब्लैक मांबा पूरे रीस्टॉक हो चुके हैं, जैसे बाइट कास्टिंग में, स्पिनिंग में, सब। जिन जिन को स्टॉक नहीं मिला था आप लोग तुरंत बुक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्द स्टॉक ख़त्म हुआ था। जैसे ही ख़त्म हुआ फिर स्टॉक आ चुका है। तो चलिए ब्लैक मांबा ये देख सकते हैं, बहुत मस्त रॉड है, स्लिम रॉड है बाइट कास्टिंग में। तो बाइट कास्टिंग रॉड्स की मेरे पास कमी थी, कॉर्क डिज़ाइन, और ये देख सकते हैं बहुत सुंदर सा इसको रील सीट दिया है, और ओपनिंग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है, और डिज़ाइन बहुत मस्त दिया है। और आपको आता है जैसे मैं पिछली बार बताया, स्नेकहेड लोगो के साथ, स्नेकहेड लोगो के साथ, और कास्टिंग वेट सब ये ऑलरेडी अपलोड है कैट लग पे। हाँ, जो नए हैं मेरे यूट्यूब पे, जो मेरे भाई, आप लोग भी ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल्स दूंगा, बाकी जो डिटेल्स है पूरा मैं व्हाट्सअप पे देता हूँ, रॉड का वेट और इसका लेंथ और इसमें कितने गाइड्स हैं पूरा मैं लिख के डालता हूँ, ताकि वो आपको लेने में आसान हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण रखता है क्या है, रॉड का वेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग वो रॉड का वेट भी डालते हैं, ताकि आप वो देख के चूज करके, चॉइस करके ले सके। तो देख लीजिए, यहाँ पे जितना हो सकता है मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्टली बताता हूँ, बाकी डिटेल्स सब मैं व्हाट्सअप पे हमारे कैटलॉग पे डालता हूँ। तो बेहतरीन है, ये भी रीस्टॉक हो चुका है, क्योंकि लुकाना के पूरा स्टॉक ख़त्म हुआ था, तो फिर से रीस्टॉक हो चुका। तो हाँ, ब्लैक मांबा स्पिनिंग, वो बाइट कास्टिंग था और ये स्पिनिंग था। हाँ, स्पिनिंग है, तो 8 फीट में। ये भी सेम लोगो के साथ आता है, और कास्टिंग वेट जो भी है आप वो भी देख सकते हैं, क्लियरली नहीं दिखाएगा उसमें, क्योंकि वो डिज़ाइन के वजह से। तो ब्लैक मांबा स्पिन 8 फीट में रीस्टॉक हो चुका है, और बहुत लाइट वेट रॉड है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, आप ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे फिशिंग्स, अभी मैं 2-3 ही बोलूँगा, बाकी जो आपका चॉइस है उस हिसाब से देख के ले सकते हैं। शायद इसमें बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बॉक्स बहुत बड़ा है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि गाइड्स भी डैमेज हो सकते हैं। अगर स्पिनिंग रहा 7 फीट में वो भी अपलोड कर दूंगा, अगर 8 फीट में बाइट कास्टिंग भी रहा वो भी अपलोड कर दूंगा, जो भी है अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ देख के ले सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग के बहुत व्यूज़ भी हो रहे हैं, लाइक्स भी हो रहे हैं, कमेंट्स भी हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और रॉड्स मैं सोच रहा हूँ, पाइनियर का भी स्टॉक आ चुका है, तो लुकाना के रील्स भी आ चुके हैं, पाइनियर के रील्स भी आ चुके हैं, तो मैं एक वक्त में एक ही वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि देखिए, अभी ये जितने रॉड्स थे इसको एक्सप्लेन करने में शायद 40 मिनट्स हुआ होगा वीडियो, तो मैं उसी लिए सोच रहा हूँ पाइनियर का रॉड अलग बनाओ, रील्स के दोनों अलग अलग वीडियो बनाओ, तो टोटल 3 वीडियो है। तो ये बताइए कि कल रील लुकाना के फिनिश करूँ, या जो ज़रूरतमंद चीज़ है मैं देखता हूँ, वीडियो कमेंट्स में देखता हूँ, जो ज़्यादा मांग रहती है वो वीडियो बना दूंगा, ताकि लुकाना का क्लियर हो जाए, उसके बाद पाइनियर में जाऊंगा। मैं सोचा पहले पाइनियर के रॉड्स और ये रॉड्स क्लियर कर दूं, उसके बाद वो करूं। फिर भी आपकी राय दीजिए, रील्स अपलोड चाहिए या रॉड्स अपलोड चाहिए, पाइनियर का रॉड्स या लुकाना का रील्स, तो उसी हिसाब से देख के मैं अपलोड करूंगा, रील या तो रॉड, ये 2-in-1 रहेगा। बाकी पाइनियर के रील्स जो है वो लास्ट करेंगे, वो नो प्रॉब्लम, वो अर्जेंट नहीं है मुझे, बस ये 2 में मैं सोचा कि रॉड अपलोड करूँ। तो आपका चॉइस है, बताइए कौन सा अपलोड करें। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर रहे हैं। थोड़ा और सब्र करिए मेरे लिए, जब मैसेज आपको नहीं आता है प्लीज़ फ़ोन मत करिए, जितना हो सकता है व्हाट्सएप पे वॉइस करके छोड़ दीजिए। जैसे ही काम मेरा फिनिश हो जाएगा, जैसे पैकिंग सब हो जाएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। हाँ, आधा 1 घंटा बैठूंगा तो सबको रिप्लाई कर दूँगा, 100-200 जितने भी हों। थोड़ा टाइम दीजिए, हमें भी टाइम दीजिए, ताकि सांस ले सके। जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपके मैसेजेस क्लियर करूँ, फिर भी कोशिश करिए जितना हो सकता है। अगर मैसेज कर दिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, समझ लीजिए कि हाफ एन आवर भी आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो
तो कुछ काम में होंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ और कुछ भी नहीं बोल सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, और बहुत बहुत शुक्रिया।